पॉल्यूशन की बात हम ये है मिच्छामि दुक्कड़म और इन सबके लिए हम पॉल्यूशन में जिस प्रकार से सबकी आराधना हुई उसमें मिच्छामि दुक्कड़म किया कि आप सबको वो ध्यान और ध्यान में पुद्गल वो उसे रहने की क्रिया आप सबको वो अच्छी लगी होगी ऐसा मैं सोचती हूँ। ऐसी मुझे आशा है कि आप सबको वो जरूर अच्छा लगा होगा। उसके बाद जब हम आगे हमारी आगे की वही पहले वाली श्रृंखला से ही अब हम आगे बढ़ेंगे। आज मेरा टॉपिक है कार्मण शरीर। इस कार्मण शरीर के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगी कि कार्मण शरीर है क्या, कार्मण शरीर क्या होता है, कर्म की क्या सिस्टम है और किस सिस्टम के हिसाब से कर्म हमारे ऊपर वर्क करते हैं, है ना। कार्मण शरीर एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो किसी भी जीव के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, उसकी आत्मा के ऊपर उसका बहुत भारी मात्रा में कमांड होता है। कार्मण शरीर का अर्थ ही है कि किसी भी हमारे छोटे से छोटे कर्म को भी नोटिंग होना, हमारे छोटे से छोटे कर्म की जो नोटिंग रहती है, जो डायरी रहती है और जो उसके जो भी हमारे उसमें प्रतिभाव, हमारी इच्छा, हमारे विचार, हमारा विचार के साथ हमारा जो भी कर्म करने के वक्त और कर्म करने के बाद परिणाम की भावना, अगर हम काम कर रहे हैं तब भी हम किसी भावना के साथ ही कार्य करते हैं और अगर कार्य खत्म हो गया तब भी वो जो भावना होती है ना, जो हमारी इच्छा होती है ना, वो वहीं पे खड़ी की खड़ी होती है। अगर हमारे भावना या हमारी इच्छा के मुताबिक अगर कोई कार्य नहीं भी हुआ तब भी उसका गुस्सा या तब उसका प्रकोप वो भी हमारे कर्म के साथ हमें दिखाई देता ही देता है। आज हम ये जानेंगे कि किसी भी कर्म करते वक्त कितनी चीज अफेक्ट होती है ना, हमारे आगे पीछे की, हमारे बाकी के शरीरों के साथ, हमारे विचारों के साथ और हमारे बाकी के सभी वर्तन के साथ कितनी चीजें होती है जो कार्मण शरीर मतलब कर्म करते वक्त अफेक्ट होती। कर्म करते वक्त सबसे पहले तो हम मन कहेंगे क्योंकि बिना विचार किए या बिना मन का उपयोग किए इच्छा तो होगी ही नहीं, इच्छा जागेगी ही नहीं और अगर इच्छा जागी ही नहीं है तो कोई भी कर्म करना या उसकी वजह या उसका कारण भी हमें मिलेगा नहीं। तो इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति, आज हम ये दो शक्ति के बारे में जानेंगे। इच्छा शक्ति है क्या और प्राण शक्ति है क्या? आपको ये पता होगा दो शब्द होते हैं, एक तो हमारा विल पावर है ना, विल पावर, और दूसरा जिसको आप कहेंगे विल पावर को हम इंग्लिश में विल पावर जानते हैं लेकिन उसको हम अपनी सामान्य भाषा में कहेंगे तो उसका नाम है आत्मबल मतलब आत्मशक्ति। दूसरा हमारा जो इच्छा शक्ति है उसका अगर इंग्लिश में आप जानोगे तो वो है थॉट प्रोसेस, मतलब कि हमारी मन की शक्ति। मेरी बात क्लियर हो रही है? मन की शक्ति अलग है और आत्मा की शक्ति अलग, मन शक्ति अलग है, आत्मा शक्ति अलग। मन की शक्ति हमारी इच्छा है, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमने जो इच्छा की है वो सही है या गलत है, उसका जो निर्णय होगा ना वो करेगी आत्मशक्ति। आज ये दो चीज को हम अलग करेंगे। आत्मशक्ति ऐसी शक्ति है जो सिद्धांत माने जाते हैं, जो नीति मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि ये कार्य हमें करने चाहिए, ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। जो भी धार्मिक सिद्धांत, जो भी ह्यूमिनिटी, उसको आप ह्यूमिनिटी भी कह सकते हो, मनुष्य जीवन के जो जो सिद्धांत है वो सारे,
वो सारे जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत के बल ऊपर हमें चलना है, सिद्धांत से ही हमें बाकी सारे कार्य आगे करना है, उन सबको हम आत्मबल यानी कि विल पावर कहेंगे। जितना हमारा आत्मबल मजबूत होगा, जितना हमारा सोच और हमारी सिस्टम मजबूत होगी, उतना ही हम किसी भी सिद्धांत के ऊपर टिककर खड़े हो सकते हैं। तब किसी भी हमारी इच्छा की ऐसी ताकत नहीं उत्पन्न होती जो हमारे मनोबल को, अरे जो हमारे आत्मबल को तोड़ पाए। देखो आपके सामने दो बल आए, एक आया है आत्मबल, दूसरा आया है मनोबल। आत्मबल सिद्धांत है, आत्मबल में ऐसा कहा जाता है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है अनीति है और ये नीति है, ऐसा आत्मबल माना जाता है। जबकि मनोबल में जो मुझे पसंद है वो मैं करूं, नीति विति गई लेकिन मैं जो चाहती हूं, मेरी जो इच्छा है, मेरी जिसमें खुशी है वही मैं करूं, ये हो गया मनोबल। अब ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आत्मबल ऐसा बल है जो सही है, जो जरूरी है, लेकिन मनोबल ऐसा बल है जो बेकार है, कभी सही हो सकता है कभी बेकार है। कभी गलत चीज पे आप जीत कर लोगे और गलत को सही बनाने के पीछे जुड़े रहोगे। आपके पास ये जो दो बल है, दो बल का प्रोसेस है, उसमें से एक बल है हमारे शरीर का, एक बल है हमारी आत्मा का। जाहिर है आत्मबल आत्मा का ही बल है, लेकिन मनोबल है वो हमारे बाकी के छह शरीर से, जो छह पुद्गल शरीर जो हम पढ़ रहे हैं, वो छह का संयोजन मिलके ही मनोबल बनता है। दोनों चीज अलग हो गई, बहुत क्लियर बात है। मैं फिर से आपको ये रिपीट करती हूँ, आत्मबल जो हमारे आत्मा के सिद्धांत, जो जरूरी सिद्धांत जो होने ही चाहिए, जिसको आप आत्मशक्ति कह सकते हो, परमात्मा कह शक्ति कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो, जिसके अंदर ये आत्मबल जग गया, जिसने अपने आत्मबल को जगा लिया, वो परमात्मा के तुल्य हो जाता है। हिंदू धर्म भी जानता है अहम ब्रह्मास्मि, उसमें भी ये कहा गया है कि आत्मा खुद एक ब्रह्म स्वरूप है, और जैन धर्म भी परमात्मा बनने की छूट तक दे देता है। जैन धर्म ये कहता है कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति, प्रबल शक्ति है, प्रबल बलवान है आत्मा अपने आप में, कि वो अपने सभी ज्ञानों को उजागर करके परमात्मा तक बन सकता है, बन जाता भी है। इस पूरे काल चक्र में उत्सर्पणी अवसर्पणी में 24 किस्म का परमात्मा जन्म लेते हैं, और असंख्य अनंत 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 जीव है जो सिद्ध गति में जाते, वो सब परमात्मा तुल्य है। तो आत्मबल और आत्मशक्ति वो क्या है, क्या क्या नियमों पे वो सारा टिका हुआ है, कौन से नियमों को हमें फॉलो करने चाहिए, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये सब विवेक, इसको विवेक ज्ञान कहा है। सार असार, क्या जिंदगी में सार है, क्या चीज असार है, सार को ग्रैंड करो, असार को फेंक दो, छोड़ दो। ऐसे बहुत से थॉट प्रोसेस है जो बिल्कुल असार है, जो बिल्कुल बेकार है। कौन से थॉट प्रोसेस बेकार है, हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं। देखो अब हमें, हमारी सबसे बड़ी कसौटी ना यहीं पे, एक बार अगर हमने जान भी लिया ना कि ये सारा असार है, ये छोड़ देना चाहिए, ये हमारे भोगने लायक चीज नहीं है, इसको छोड़ के ही हमें आगे बढ़ना है, ये पता भी चल जाए ना, तब भी उसके बाद अगर हमारे कर्मों का उदय ऐसा हो
जो हमारे पूर्व के बांधे हुए हैं, तो वो हमें इस आत्मशक्ति को उजागर करने के प्रोसेस में बिल्कुल टिकने नहीं देगी, नहीं टिकने देगी। क्योंकि अगर आपके अनीति के कर्म अभी भी भोगने बाकी है, आप कितना भी आत्मबल से कोशिश करो, आत्मशक्ति को जगाओ, समय समय पर जब वो कर्म का उदय आएगा तब वो आपको दुविधा में लाके खड़ा कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपसे वो बुरा ही कार्य कराएगा, लेकिन दुविधा जरूर लाएगा। अब दुविधा कैसी, मैं ये करूं या ये ना करूं? कर्म का जब उदय हो तब कोई भी व्यवस्थित व्यक्ति चूक जाता है, कोई भी। क्योंकि जब जब उसका उदय होता है कि आपको ये अशुभ, ऐसी क्रिया ना हो, लेकिन आपको जबरदस्ती वो सारे कर्म करने पड़ रहे हैं। ये दुविधा है। दुविधा इसलिए क्योंकि कर्म का उदय है, वो जबरदस्ती आपसे वो काम कराने की कोशिश करता है। ऐसे मामले में, ऐसे वक्त में अगर आपने पूरी 100% जागृति रखी ना, 100% जागृति रखी ना, तब भी अगर वो आपका कर्म निकाचित होगा, निकाचित मतलब दृढ़ होगा, जिसको भोगना ही भोगना होगा, आपको उसे भोगना ही पड़ेगा। और जब उसको भोगने की बारी है ना, तब उसको शांति से समभुक्ति ही आपको भोग लेना है, उसको भोगने में ही समझदारी, आपको उससे बचना नहीं है, अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश नहीं करना। लेकिन उसको भोगते वक्त प्रति पल ये सोचना है कि ये मेरा ऐसा कर्म उदय में आया है जो मुझे चुकाए बिना जाने नहीं देगा। और यही कारण है कि मैं उसे शांति से, चुपकीदी से इस प्रकार से भोगू कि मुझे इस कार्य में मेरी जो रुचि है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना, बिल्कुल खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, मुझे इस चीज की माया वापस लगे ही नहीं। देखो भोग है, भोगते वक्त तो आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी इंसान भोग भोगते हुए क्या उसमें से बाहर निकल सकता है? और नीरस होके भी भोग नहीं भोग सकता, नीरस होके भी नहीं भोग सकता। लेकिन वो मन में ये सोच के जरूर भोग सकता है कि जो भी है ये कर्म मेरे अब आगे बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा, आप ये कैसे कर सकते हो, आप इसको प्रति पल ऐसा सोचोगे कि ये कर्म जो मैं आज भुगत रही हूं, भगवान करे ऐसा मौका या ऐसा पल मुझे दोबारा नसीब ना हो। अब मुझे ये सारे झंझट से दूर रहना है, मुझे इसमें कोई दोबारा नहीं बनना, आप ये तो सोच सकते हो ना। आप अगर ऐसा सोचोगे, देखो ये सोचना ही आपका मनोबल है। देखो क्या है, हम एक एक चीज को समझेंगे। अगर आपने ऐसा सोचा तो वो आपका मनोबल हुआ, और मनोबल आपका वीक हो गया, दृढ़ नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, अनीति का नहीं हुआ।
जैसे मनोबल दृढ़ नहीं रहेगा ना, वो वीक होगा ना, आत्मबल अपने आप दृढ़ हो जाएगा। ये पूरा ऑपोजिट है। एक अंधेरा है, एक उजाला है, एक काला है तो एक सफेद। जिस समय आपका मनोबल वीक हो गया कि ऐसे किसी भी संसार के या भोग के कर्म में मुझे नहीं फंसना है, दूसरे ही पल आपका आत्मबल इतना दृढ़ हो रहा है कि अब जो इस वक्त जो भी कर्म बन रहा है ना, वो इतना हल्का सा बन रहा है, इतना हल्का सा बन रहा है कि अब जब उसको भोगने की बारी आएगी ना, तो आपको बिना भोगे ही वो आपके ऊपर से निकल जाए, बिना भोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आप ऐसा रंग लगा रहे हो, देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। मैं मेरे एक कपड़े के ऊपर रंग लगा रही हूँ, मैं ये सोच के लगा रही हूँ कि भाई ये रंग मैं अभी लगा रही हूँ पर पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि इस पे ये रंग कैसा लग रहा है, इसलिए आप कैसा रंग लगाओगे? बिल्कुल हल्का सा लगाओगे जो एक ही बार धोने में निकल जाए। आप ये सोच के लगाओ कि नहीं, मुझे यही रंग चाहिए जो कभी नहीं निकलना चाहिए, और आप पक्का रंग लगाओगे। ऐसा सोचोगे तो आप पक्का रंग लगाओगे। ऐसे हम भोग के लिए सोचेंगे। देखो बच्चों के बच्चे से आप खेल रहे हो, वो तो हर कोई खेलता है, रोज खेलता है ना, संसारी है हम। नाते पोते से तो हम हर कोई खेलेंगे। उनके साथ खेल खेलते वक्त आप पल पल यही सोचोगे कि भाई ये संसार, ये बच्चे, ये बच्चों के बच्चे, ठीक है मैं मजा कर रहा हूँ, मस्ती कर रही हूँ, आनंद कर रही हूँ, सब ले रही हूँ, सब सुख ले रही हूँ, लेकिन ऐसा इन्वॉल्व होके खेलोगे ना? ऐसा सोच के अगर काम कर रहे हो तो आप एक नए बंधन में बन चुके हो, और ये नया बंधन आपको इसमें से बाहर आने नहीं देगा। लेकिन आपने ये सोच के बच्चों के साथ खेला कि भाई मेरा ये संसार, ये मेरा ये, मुझे पता है ये सब कुछ नहीं साथ आने वाला, जब मैं जाऊंगी ना तब मैं अकेली ही जाऊंगी, और जो भी कर्म मैंने भुगतना है ना वो सारा अकेले भुगतना है, ना ये बच्चे मेरा साथ दे पाएंगे, ना मेरा घर वाला, ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटों के बेटे, कोई मेरा साथ नहीं दे पाएगा जब मेरे कर्म भोगने की बारी आएगी। और मैं चाहती ही नहीं हूं कि मुझे ये बार बार जन्म मरण लेना पड़े, बस बच्चों के साथ मैं खेल लूं। पर आप ये सोच के खेलो कि मुझे ये जन्म मरण नहीं लेने, आप बिल्कुल शांत होके खेलो। ये दो में फर्क है, बहुत फर्क है। ये वही प्रेम है जो उन्माद से युक्त नहीं है। बच्चे हैं, उसके प्रति प्रेम है, बच्चों के बच्चे उसके प्रति ज्यादा प्रेम है, बस प्रेम है, सिर्फ प्रेम। लेकिन वो उन्मादी वलन नहीं है, ये मेरे ही है। जब भी मुझे तकलीफ होगी इन लोगों को मेरे पास खड़ा रहना ही रहना है, इनके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी, इनके बगैर मैं एक दिन नहीं रह पाऊं। अगर वो चार दिन बाहर गांव चले गए तो आप रोते रहो, आप उनको फोन करते रहो, उनको मिस करते रहो, है ना? ऐसा उन्माद अब संसार से जो विरक्त होना चाहे, जो कर्मों से छूटना चाहे, उसके अंदर ये उन्माद और ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। बस इन सब उन्माद के भरे हुए प्रेम से हमें बाहर आ जाना है। अगर आप कर्मों से छूटना चाहते हो तो नए कर्म में तो हमें बनना ही नहीं। देखो पहले एक बार जो
जो प्रश्न हुआ था उसका मैं आज आपको थोड़ा सा खुलकर जवाब देती हूँ। अगर उसमें से वापस कोई प्रश्न खड़ा हो आप मुझे वापस पूछ सकते हो। पहले एक बात हुई थी, वो हुई थी जज की, कि भाई एक जज अगर किसी को फांसी की सजा दे रहा है तो क्या वो ड्यूटी कर रहा है या वो गलती कर रहा है या वो कर्म नया कर्म बांध रहा है। अगर वो जज अपने मन में ये भाव रखे, अगर कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का ये क्योंकि नीचे के जज को तो वो अधिकार भी नहीं कि उसके अधिकार से अगर किसी को फांसी की सजा दी जाए तो उसको फांसी मिली जाए, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रायोरिटी वाला जज है जिसके ऊपर और किसी को निर्णय नहीं लेना, अगर ऐसा कोई जज अपने मन में अगर वो ये सोचता है ना कि किसी भी गुनहगार को चाहे उसने कैसा भी संगीन गुना किया हो उसे एक मौका प्रायश्चित का मिलना ही चाहिए, उसके अंदर ऐसा बदलाव आना ही चाहिए, अगर वो ये सोचता है ना तो वो कभी भी फांसी की सजा नहीं दे, क्योंकि वो चाहेगा कि ये इंसान जिंदा रहे, चाहे वो उम्र कैद भोगे, चाहे वो 14 साल जेल में रहे, चाहे वो 20 साल जेल में रहे, लेकिन वो प्रायश्चित करते हुए दिनों दिन सालों साल वो प्रत्येक साल ये सोचे कि मुझे इस मेरे कर्म से जरूर प्रायश्चित भोगना चाहिए या मैंने जो किया है वो गलत किया है। अगर जज ऐसा सोचे ना कि सामने वाला या कोई भी गुनाह करने वाला अपने आप को प्रायश्चित का मौका दे, अगर कोई भी जज ये सोचेगा ना तो कभी भी फांसी की सजा नहीं देगा। लेकिन अगर जो जज ये सोचेगा ना कि किसी को भी किसी की जान लेने की हक नहीं है और ऐसी बात को नियम बनाकर मैं लोगों के सामने उदाहरण बन के पेश करना चाहूं, लोगों की लोग ये जाने कि देखो अगर आपने ऐसा किया तो आपको भी मौत की सजा मिल सकती है, इसकी तरह वो उसे जरूर मौत की सजा दे, तो एक जज भी किसी को फांसी की सजा देने से पहले अपने मन में कुछ सोचता है, उसका अपना एक तरीका होता है, और तरीका किसके ऊपर से होगा, वो खुद उसके, अगर उसका आत्मबल मजबूत होगा तो वो क्या सोचेगा, नीति के ऊपर जाएगा, और नीति क्या कहेगी कि भाई हर एक इंसान को प्रायश्चित का मौका मिलना ही चाहिए, उसे ये महसूस होना ही चाहिए कि मैंने मेरी जिंदगी में ये